मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की आपको बता दें कि भरतपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुरक्षा में चूक की खबर सामने आई। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि हेलीपैड तक आसानी से पहुंचा एक अज्ञात युवक, सभी को संबोधित करने के बाद हेलीपैड के लिए रवाना हुए थे मुख्यमंत्री, उसी दरमियान एक युवक पहुंच गया। मौके पर रेंज के IG भी थे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों ने अज्ञात युवक को पकड़ा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुरक्षा में चूक की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सभा को संबोधित करने के बाद हेलीपैड के लिए मुख्यमंत्री रवाना हुए थे, उसी दरमियान एक अज्ञात युवक वहां पर पहुंच गया और फिलहाल युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा कर्मियों ने अज्ञात युवक को पकड़ लिया। तो ये बड़ी जानकारी आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, हेलीपैड तक आसानी से पहुंचा एक अज्ञात युवक। बताया जा रहा है कि सभा को संबोधित करने के बाद हेलीपैड से रवाना हो रहे थे CM, उसी दरमियान एक युवक पहुंच गया। मौके पर रेंज के IG भी थे मौजूद। सुरक्षा कर्मियों ने अज्ञात युवक को पकड़ा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि ये देखिए, ये वही युवक है जो CM के हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया और सुरक्षा के दृष्टिकोण से तुरंत युवक को हिरासत में ले लिया गया है। अब पूछताछ की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री के सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। दरअसल मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं कि एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत ही वहाँ पर कुछ काम किया जाता है। अब ये देखिए, युवक को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। वो माँ को चकमा देकर खोले लाने पत्रकारों के साथ निकला गया था और उसने ऐसी हरकत कर दी। माइंड से बिगड़ते हैं, वो इसका पर्चा लगा हुआ। श्री मोदी जब वापसी में हेलीपैड जा रहे थे, सवाई थे, तो मीडिया के लोग भी साथ दौड़ करके हेलीपैड में चले गए। उस भीड़ में वो एक युवक घुस गया था और जैसे ही हेलीकॉप्टर का रोटर शुरू हुआ तो वो फोटो खींचने के लिए वो आगे आ गया था। तो सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल उसको पकड़ लिया और फिर हमने उनसे पूछताछ की तो ये मंद बुद्धि बालक निकला और उसके परिजनों को भी बुला लिया गया। अब उसका मेडिकल बोर्ड से ये जांच करा रहे हैं कि कभी वास्तव मंद बुद्धि की है तो फिर उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव भट्ट फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव, मुख्यमंत्री के सुरक्षा में चूक की खबर सामने आई है, क्या कुछ है पूरा मामला ये? जी बिल्कुल, आज यहाँ भरतपुर में राजीव आप तक आवाज पहुंच रही है। हेलो राजीव, मेरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुरक्षा में चूक की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भरतपुर आए थे, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती समारोह में शिरकत करने आए थे और जब वो यहाँ से कार्यक्रम के बाद लौट रहे थे तो सुरक्षा में चूक देखी गई। एक युवक जो कि बिल्कुल उनके हेलीकॉप्टर के नजदीक पहुंच गया था, उस समय हेलीकॉप्टर पर में अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री और PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दोनों बैठे हुए थे। वहाँ युवक पहुंचता है और उसके बाद जब पुलिसकर्मी देखते हैं उसको, वहाँ IG तैनात थे एयरपोर्ट पर, हेलीकॉप्टर हेलीपैड के आसपास में, उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ लगा ऐसा कि उन्होंने सुरक्षा में कोई चूक हो रही है, तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया और तुरंत उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। हालांकि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त निकला था, इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उसके पिताजी ने पेश किए थे। उसके पिताजी यहीं भरतपुर में कोर्ट में कर्मचारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी, किलेबंदी की गई थी पूरी तरह से। यहाँ काफी पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, जो पास धारक थे उनको भी जाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही थी। ऐसे में जब मुख्यमंत्री के बिल्कुल नजदीक तक एक युवक आसानी से पहुंच जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में एक चूक का बड़ा मामला सामने आता है।
राजीव, मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत ही काम किया जाता है, सुरक्षा व्यवस्था भी प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती है। तो आखिरकार कैसे प्रोटोकॉल को तोड़ दिया गया? क्या इस संबंध में पुलिस के किसी अधिकारी से बातचीत आपकी हुई कि आखिरकार ऐसी चूक हुई क्यों? मैं हमने एसपी से बात करनी चाहिए, तो एसपी इस बात रूप से चूक का मामला नहीं मान रहे थे। हाँ चूक का मामला बनता है क्योंकि बिना पास धारा और बिल्कुल मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और राजू, क्या जो युवक को हिरासत में लिया गया है उससे कुछ बातचीत हुई किसी की, या पुलिस ने बताया, क्या उसने बताया, क्या मंशा थी वहां तक पहुंचने की? राजू आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही, फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करें। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के सुरक्षा में चूक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, पुलिस कर्मी जो वहां पर ड्यूटी पे थे कैसे इतनी बड़ी चूक कर सकते हैं?